नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है और फेक कमेंट से आप कृपया करके सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में चर्चा की थी, वहां पे हमारा अंडरग्राउंड मनी फ्लो पॉजिटिव था और मार्केट ने आज उसको रिस्पेक्ट किया। तो जो कारण थे वो मैंने कल के वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिए थे कि यहाँ पे किन कारणों की वजह से अंडरग्राउंड मनी फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब वहाँ पे जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे कल के वीडियो में। तो दोस्तों, हम 19600 हमारा एक एल्गो पॉइंट है, तो मार्केट आज इसके आसपास थोड़ी देर कंसोलिडेट होती रही। यहाँ पे मार्केट को पहले रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था, फिर यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिली और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। यहाँ पे जो है, अगर हम कैश एक्टिविटी की बात करें तो बेसिकली FIIs ने आज भी 758 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी। तो यहाँ पे FIIs जो है वो शायद कैश सेगमेंट में अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। DIIs ने कोई कैश के अंदर खास एक्टिविटी नहीं की, वो हमें D2C रेशो में भी दिख रहा है कि यहाँ पे डेरिवेटिव्स ने आज मार्केट को कंट्रोल किया। अगर हम यहाँ पे कैश के बात करें तो यहाँ पे कैश का मनी फ्लो आज पॉजिटिव था और D2C रेशो, जैसे कि मैंने आपको बताया, वहाँ पे डेरिवेटिव्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे थे। मार्केट को ऊपर ले जाने वाले स्टॉक्स में कल की तरह HDFC बैंक भी शामिल था, लेकिन यहाँ पे आज दूसरे बैंकिंग स्टॉक्स भी मार्केट को ऊपर ले जाने में मदद कर रहे थे। और मार्केट को नीचे ले जाने वाले स्टॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं इन्फोसिस और यहाँ पे बजाज फाइनेंस। तो अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो बेसिकली आज एक्सपायरी थी, लेकिन हम अगले हफ्ते की ऑप्शन चेन यहां पे देखते हैं। तो यहां पे बेसिकली कुछ कॉल राइटर्स का स्टॉप लॉस हिट यहां पे कराया गया। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस के मनी फ्लो की बात करें तो ऑप्शंस का मनी फ्लो पॉजिटिव था। फ्यूचर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो सरप्राइजिंगली मार्केट ऊपर गई, लेकिन नेट मनी फ्लो थोड़ा सा नेगेटिव था, स्लाइटली नेगेटिव था। उसके पीछे जो प्रमुख कारण है, प्रॉप डेस्क की शॉर्ट पोजीशंस और क्लाइंट्स की शॉर्ट पोजीशंस। लेकिन दोस्तों, ये पोजीशंस बेसिकली हम पास्ट में भी देख चुके हैं कि ये तब काम आती हैं जब मार्केट नीचे जाने लगती है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग की जाती है। अगर हम FIIs की बात करें तो लॉन्ग पोजीशंस बनाई और यहाँ पे जो शॉर्ट पोजीशंस हैं उनको क्लोज किया गया। लेकिन सरप्राइजिंगली मार्केट पॉजिटिव थी, लेकिन नेट मनी फ्लो थोड़ा सा नेगेटिव था। और यहाँ पे क्योंकि फ्रेश पोजीशंस बनाई गई, तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई जो कि वीकनेस का संकेत बताती हैं, लेकिन मैं आपको उसका कारण एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये शॉर्ट पोजीशंस किस वजह से बनाई गई हैं। अगर FIIs की बड़ी पोजीशंस की बात करें तो आज यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस जो है उनको यहाँ पे ऐड किया गया, लगभग 9000 के आसपास लॉन्ग पोजीशंस ऐड की गई, तो ये 17700 हो गई हैं। तो कोई ज़्यादा लॉन्ग पोजीशंस तो नहीं है। FIIs अभी भी फ्यूचर इंडेक्स में उतने एक्टिव नहीं है, इस बात की चर्चा हम पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं कि FIIs यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में एक्टिव नहीं है। तो इसीलिए पोजीशंस इस समय इनकी प्रॉफिट में है। फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करें, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ, जो कि लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। वीडियो नहीं पसंद आ रहा, वीडियो डिसलाइक करिए और आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके कभी भी छोड़ के जा सकते हैं। तो यहां पर अगर हम समरी के तौर पर देखें तो सरफेस मनी फ्लो की अगर बात की जाए तो कैश का मनी फ्लो पॉजिटिव था, ऑप्शंस का पॉजिटिव, फ्यूचर्स का जो है स्लाइटली नेगेटिव था, इसको हम न्यूट्रल संकेत मानेंगे। तो बेसिकली सरफेस मनी फ्लो जो है वो इस समय स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है। FIIs की बात करें तो कैश के अंदर न्यूट्रल, क्योंकि 1000 करोड़ से ज्यादा की एक्टिविटी नहीं थी, ऑप्शंस के अंदर पॉजिटिव, फ्यूचर्स के अंदर इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग पोजिशंस बनाई। तो FIIs भी मार्केट में जो है एक पॉजिटिव बायस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक पॉजिटिव बायस का एक और कारण भी है, वो G20 समिट है। तो यहाँ पे एक सोशल मीडिया पे ऐसा कहा जा रहा है कि जब तक G20 का समिट चल रहा है तब तक मार्केट शायद नीचे नहीं आएगी।
तो दोस्तों यहाँ पे जो अंडरग्राउंड मनी फ्लो है वो मैंने इस वीडियो में किसी एक जगह पे जो है स्क्रीनशॉट के द्वारा शेयर कर दिया है। तो अंडरग्राउंड मनी फ्लो का क्या ओपिनियन है वो आप वहां जाके देख सकते हैं और देखते हैं कि कल मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है। तो इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय सेल या होल्ड की पोजीशन बनाए। किसी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किस तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज के इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स पर आधारित है। सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना ले। तो दोस्तों आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटीमेंट के नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।